बिहार में छिड़ी सियासी बयानबाजी, तेजस्वी के बाद अब बीजेपी का पलटवार। सुशील मोदी ने तेजस्वी को दिखाया आईना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सियासी पारा आसमान पर है। हालांकि जिस तरह से फ्लोर टेस्ट से पहले सूबे में हुई सीबीआई कार्रवाई के बाद राजनीति ने आग पकड़ ली, आरजेडी के कई नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी ने माहौल को इस हद तक गर्म किया कि उसकी तपिश विधानसभा के एक दिन के स्पेशल सत्र में भी महसूस की गई। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जब डरती है तब अपने तीन जमाई सीबीआई, ईडी, आईटी को आगे करती है। अब तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पलटवार किया है। सुशील मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि सीबीआई जो आरोप लगाए हैं उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई और एक दर्जन सबूत सीबीआई ने इकट्ठा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी घोटाले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव बेल पर हैं, फिर भी ये बयान दे रहे हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि 2017 में हमने गठबंधन तोड़ा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब नीतीश जी चाहते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। गौर हो कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी जब डरती है अपने तीन जमाई सीबीआई, ईडी, आईटी को आगे करती है। तेजस्वी के इसी बयान के बाद असेंबली में बीजेपी ने काफी हंगामा किया था। गौरतलब है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और आरजेडी के ही दो राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के यहाँ सीबीआई ने रेड डाली थी। उसी प्रकार आईआरसीटीसी घोटाले जिसमें राबड़ी देवी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, बेल पर हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। और नीतीश जी, ललन जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि 17 में हमने गठबंधन तोड़ा था लेकिन 5 साल हो गया कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। इसका मतलब कि नीतीश जी चाहते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाले जिसमें ये लोग चार्जशीटेड हैं उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई प्रारंभ हो। आपको बता दें कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने लोगों को उस वक्त रेलवे में नौकरी दिलाई जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे और इसके बदले उन्होंने लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए बिना किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी लगा दी थी। सीबीआई अपनी जाँच के जरिए दावा करती है कि करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदा गया। बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन जिसकी कीमत उस वक्त के सर्किल रेट के हिसाब से 4,39,00,000 थी, जिसे महज 26 लाख रुपए में खरीदा गया। इसी साल मई में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत 16 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और एक बार फिर से लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, जिसके बाद सूबे में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।